इंटरनेशनल टीवी शो क्वांटिको का हिस्सा बन चुकी प्रियंका चोपड़ा, जो अब बॉलीवुड से ज्यादा हॉलीवुड में नजर आती हैं, इन दिनों मुंबई में मौजूद हैं। वाइफा अवार्ड्स करने न्यूयॉर्क में नहीं रुकी बल्कि मुंबई आ गई, और यहां पर उनके आने का मकसद था उनके मराठी प्रोडक्शंस में आ रही फिल्म कायरे रासकला का लॉन्च। इस लॉन्च इवेंट पर वो अपनी मदर के साथ मौजूद थी और उनसे कई सवाल पूछे गए, उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी और पर्सनल लाइफ को लेकर भी। जब पर्सनल लाइफ को लेकर एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई रोमांस, लव अफेयर या रिलेशनशिप चल रहा है, तो इस पर प्रियंका ने कहा कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन सब कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। सो इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। किसी का कहना है कि शायद प्रियंका की जिंदगी में कोई है और वो उसके बारे में बताना नहीं चाहती, जबकि कोई ये भी कह रहा है दैट प्रियंका इज नॉट एट ऑल इन अ रिलेशनशिप। वहीं प्रियंका से ये भी पूछा गया कि आपकी जिंदगी पर अगर कोई किताब लिखनी हो तो उसका टाइटल क्या होगा। बहुत सोचने के बाद प्रियंका ने साफ कह दिया कि अभी उनकी जिंदगी में कई चैप्टर्स बाकी हैं, तो किताब का टाइटल होना चाहिए अनफिनिश्ड।